रमजान महीने में हिंदू बने चीनी लोग, मुस्लिमों का सांस लेना हुआ मुश्किल, फिर से दिखी ड्रैगन की शातिर गिरी, मुस्लिमों पर गिरा मुसीबतों का पहाड़, सनातन संस्कृति में रमे दिखे चीनी, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, वसुधैव कुटुंबकम। यही सोच रखने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि आज चहु दिशाओं में सनातन संस्कृति का परचम लहरा रहा है। देश के भीतर और देश के बाहर जहां देखेंगे वहां मंदिरों की बदली हुई तस्वीर पाएंगे, और जो कि देखिए सनातन संस्कृति ही भारत की असल पहचान है, और इसी पहचान को पाने के लिए मोदी सरकार ने विश्व पटल पर सनातन धर्म को उभारने का कार्य किया, और जिसके परिणाम वर्ष विदेशी भी सनातन के अध्यात्म दुनिया से अब जुड़ रहे हैं। आलम यह है कि खुद को नास्तिक देश बताने वाला चीन, जो ना कभी भारत का भरोसेमंद साथी रहा और ना ही एक अच्छा पड़ोसी, उसके खुद के लोग अब हिंदू धर्म सबसे ज्यादा अपना रहे हैं। तभी तो एक तरफ जहाँ देखे चीनी लोग हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर नाच गा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग की सरकार ने रमजान महीने में उइगर मुस्लिमों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। भारत के सरहदों से सटा चीन एक ऐसा देश है जिसकी विस्तारवादी नीतियों से दुनिया भर के तमाम देश सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। चीन का बस चले तो पूरी दुनिया पर कब्जा करके विश्व का नक्शा ही बदल दे, और जो कि देखिए सत्ता पर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का जोर रहा, और इसलिए किसी भी धर्म को नहीं मानने वाली जिनपिंग की सरकार का डंडा आस्तिकों पर सबसे ज्यादा चलता है। फिलहाल तो देखिए मुल्क में उइगर मुस्लिमों का सबसे ज्यादा बुरा हाल हो रखा है। अब देखिए ना, रमजान महीने में चीन अपनी नापाक हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा। हाल ही में इंडिया टीवी की न्यूज साइट पर पब्लिश हुए एक आर्टिकल में मुस्लिमों के खिलाफ चीन की काली करतूतों का काला चिट्ठा लिखा हुआ है। रमजान में मुस्लिमों पर जुल्म, रोजा भी नहीं रखने दे रहा चीन, कर रहा जासूसों का उपयोग। जी हां, इसी हेडलाइन के साथ छपे इस लेख में रमजान महीने में जिनपिंग की सरकार खुद के मुल्क के मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है, ये सब कुछ इसमें बताया गया। अब देखिए इस लेख के अनुसार इन दिनों उइगर मुस्लिम ना रोजे रख सकते हैं और ना ही अपने धर्म से जुड़ी गतिविधियों को स्वतंत्रता से पूरी तरह से निभा सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि उइगर मुसलमान रमजान महीने में रोजा ना रख सके, इसके लिए चीन की पुलिस जासूसों का उपयोग कर रही है। ये जग जाहिर है कि रमजान महीने में अल्लाह की इबादत के साथ साथ प्रत्येक मुसलमान का रोजा रखना भी बहुत जरूरी अनिवार्य है, क्योंकि इस्लाम में देखे रोजा रखना व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सिखाता है। लेकिन यहाँ तो उइगर मुस्लिमों का रोजा रखना जिनपिंग सरकार को इतना खटक रहा है कि रोजा ना रख पाए, इसको लेकर कानूनी बना दिया। साल 2017 से रमजान में रोजा रखने पर बैन लगा रखा है, और जो लोग देखे रोजा रखते हैं छुप छुपा कर, उनके खिलाफ कानून के तहत तुरंत कार्रवाई भी होती है। सूत्रों की माने तो चीनी पुलिस ने भाषा की बाधा के चलते उइगरों को ही अपना जासूस बनाकर उइगर मुसलमानों के बीच छोड़ रखा है, और इसको लेकर अधिकारियों का ये कहना है कि रमजान में उइगर मुस्लिम रोजे ना रख सके, इसके लिए कई जासूसों की भर्ती की गई। कुछ गांव में 5 जासूस तक भी भेजे हुए हैं। पुलिस उन लोगों की जाँच कर रही है जिन्होंने रमजान के दौरान रोजा रखकर कानून तोड़ा हो। उइगर मुस्लिमों के रोजा रखने पर उनकी जासूसी करवाना चीन की इस हरकत का ना ही पाकिस्तान विरोध करेगा, ना ही खुद को खलीफा समझने वाला तुर्की कुछ बोलेगा, और ना ही मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने वाले लोगों का मुंह खुलेगा। अब हम आपको सोशल मीडिया के जरिए चीन की ही दुनिया से एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें चीनी लोग सनातन संस्कृति में रमे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये पूरा वीडियो। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश चीन, जिसकी आबादी देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा है। वैसे तो देखिए चीन अपने मुल्क की आबादी को लेकर कभी कोई आधिकारिक आंकड़े पेश कभी नहीं करता, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चीन की आबादी 144 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिसमें 13 लाख लोग हिंदू हैं, और जो कि इतिहास कहता है कि चीन में मध्यकालीन युग से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रह रहे हैं, और इस कारण आज भी चीन की कई जगहों पर हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिलती हैं। और अब तो देखिए चीनी लोग भी हिंदू बनते जा रहे हैं।
हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर नाचते गाते ये वो चीनी लोग हैं जो खुद को हिंदू धर्म से जोड़ चुके हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि चीन में 5 इस्कॉन मंदिर मिलते हैं। इस नास्तिक देश में तेजी से कृष्ण पंथों की तादाद बढ़ती जा रही है। वाद्य यंत्रों के बीच हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र जाप करते हुए ये लोग नृत्य करते हुए ये महिलाएं और चीनी लोगों का राधे कृष्ण का जाप करना ये जरूर आज दर्शाता है कि चीनी लोगों को अब सबसे ज्यादा हिंदू धर्म भा रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि चीन में पूजा पाठ करने पर पाबंदी है तो उन्हें हम ये बात जरूर बता दें कि पूरे चीन में हर साल इस्कॉन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस तरह के कार्यक्रम में कृष्ण भक्त हरे कृष्णा का जाप करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, भगवद्गीता का पाठ भी करते हैं, प्रसाद का वितरण भी उनके बीच होता है। और ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रमजान ने चीनी नागरिकों को भाया हिंदू धर्म और मुस्लिमों का हुआ सांस लेना थोड़ा मुश्किल। By now we must come together more than ever. I had an incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. And his desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real, and it is happening. But the best part of the meeting for me was this. Anyone who knows Prime Minister Modi, all of you, knows he is a tech guy and he is deep into the details. So I found myself at his home at 7:30 on a Friday night talking about the details of radio access networks and artificial intelligence, and it was just amazing. And I said to him, and I'll say this to you, in the years to come, there will be 2 ecosystems of technology. One consistent with our democratic values and another not. And I said to him, the United States and India need to lead the world together in this technology ecosystem. And without missing a beat, after he had traveled all week, he said to me, well, Secretary, AI doesn't stand for artificial intelligence. I said, really? He said, AI is America, India, technology, ecosystem.